नमस्कार, मैं सुनील कुमार प्रजापति ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। ज्योमेट्री पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आरआरबी एएसएम 2004 के पेपर में आया हुआ है। मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा हट कर लगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप भी खुद देखिए और इसके बारे में सोचिए। एक समतल में 8 सीधी रेखाएं इस तरह खींची जाती हैं कि इनमें 2 रेखाएं समांतर तथा 3 रेखाएं समवर्ती न हो। उक्त रेखाओं द्वारा समतल को कितने भागों में विभाजित किया गया? आप शायद पहली बार इस तरह के किसी क्वेश्चन को देखे होंगे या किसी परीक्षा में। आइए मैं इसका पूरा कंसेप्ट आपको समझाता हूं। देखिए, ये जो कुछ भी हमारा ये स्क्रीन पर दिख रहा है, ये भी एक प्लेन है। अब मान लीजिए कि मैंने एक लाइन ऐसे ड्रा कर दिया, तो लाइन का अर्थ होता है कि इसके दोनों सिरे ओपन होते हैं और ये अनंत तक जाते हैं। तो इस लाइन ने इस पूरे प्लेन को 2 पार्ट में बांट दिया। देखिए, 2 पार्ट में। अब ये शर्त ये कहता है कि जो ये 8 लाइंस ड्रा की गई हैं, वो उनमें से कोई 2 समांतर नहीं है और 2 एक ही बिंदु से होकर नहीं गुजर रही हैं। तो अगर मान लीजिए एक और लाइन हमने ड्रा कर दिया, तो अब आप इस प्लेन को देखिए कितने पार्ट में ये डिवाइड कर दिया। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। ये प्लेन अब 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर हम इसे एक और लाइन से ड्रा कर दें, अब इसे देखें कि कितने पार्ट में विभाजित हो गया। तो देखिए, ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट और ये जो अंदर है ये 7वां है, 7 पार्ट। तो 3 लाइंस जो हैं, 3 रेखाएं इस प्लेन को कुल 7 भागों में डिवाइड कर दी, 7 भागों में। और यहां पूछ रहा है कि ये इस प्रकार की कुल 8 रेखाएं हैं और उन 8 रेखाओं से ये प्लेन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है। तो 8 रेखाएं इस पार्ट को, इस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगी, ये हम लोगों को बताना है। तो आइए मैं आपको एक नियम ही इसका बता देता हूं। सपोज कर लीजिए कि आपके पास n लाइंस हो, n लाइंस, और ये n लाइंस इस प्लेन को, जो अफाइन प्लेन है, इसको वो डिवाइड करेंगी इन शर्तों के अनुसार। ये शर्तें क्या हैं? कि देखिए, ये शर्तें हैं कि 2 रेखाएं समांतर तथा 3 रेखाएं समवर्ती न हो। 2 रेखाएं समांतर का क्या मतलब हुआ? कि ये 2 रेखाएं इस तरह से न हो। और 3 रेखाएं समवर्ती का मतलब हुआ कि 3 रेखाएं एक ही पॉइंट से न होकर जाएं। जैसे ये लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3, तो ये तीनों रेखाएं एक ही पॉइंट से न होकर जाएं, जैसे कि यहां हमने दिखा रहा। तो इन दोनों शर्तों को इंक्लूड करते हुए कितनी ऐसी लाइंस 8 अरे कितनी 8 लाइंस या n लाइंस द्वारा ये प्लेन, तो ये 8 लाइंस या n लाइंस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो आइए देखिए, यहां से एक नियम बन रहा है। वो नियम क्या कह रहा है? जो एक लाइन है ये प्लेन को 2 पार्ट में बांट रही है, 2 लाइन प्लेन को 4 पार्ट में बांट रही है, 3 लाइन प्लेन को 7 पार्ट में बांट रही है। तो इसी तरह से 4 लाइन या n लाइन कैसे बांटेंगी? तो इसके लिए एक नियम यहां तैयार हो गया कि अगर लाइंस n हो, n लाइंस हो, तो ये प्लेन कैसे बटेगा? तो देखिए, n n प्लस 1 अपान 2 प्लस 1, ये एक फार्मूला आ जाएगा कि अगर n लाइंस हैं तो प्लेन इतने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब इसको मान लीजिए कि हम यहां पर ये चेक करना चाहते हैं कि 3 लाइंस हों
तो कितने पार्ट में होगा, तो एन बराबर हमने थ्री रख लिया, तो ये क्या होगा, थ्री इंटू फोर अपॉन टू प्लस वन। देखिए दो दूना चार और दो तिहाई छह एक सात। तो आप समझ सकते हैं कि जो एट लाइंस हैं, जो यहां पर दिया गया है कि अगर एट लाइंस हो तो प्लेन कितने में डिवाइड होगा, तो एट लाइंस हो तो एट इंटू नाइन अपॉन टू प्लस वन। अब देखिए ये दो चौके आठ और चार नवा छत्तीस एक सैतीस, तो ये प्लेन 37 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ये प्लेन 37 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन और ये कंसेप्ट आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करिए, ताकि आप लोगों का सपोर्ट मिल सके और मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सकूं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।